आज मैं जो लड्डू बनाऊंगी उसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और व्रत के बिना भी खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कम टाइम में ये लड्डू बनेगा। तो साबूदाना के लड्डू बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई जो है बस ऐसे ही सूखा जो साबूदाना मार्केट से लाते हैं उसी का मैं बनाऊंगी। उसको क्या करना है ना कि वो जो है बस एक गर्म कढ़ाई में हल्का सा करने के बाद ये साबूदाना कढ़ाई में डालना है और उसको थोड़ा सा हमें जो है अच्छे से साबूदाना को भूनना है। थोड़ा साबूदाना यहाँ पे एकदम कुरकुरा हो गया है, आप एक खा के भी देख सकते हैं एकदम कुरकुरा हो जाता है। और ये एकदम जो है ठंडा करेंगे और इसको मिक्सर में हम लोग पीस लेंगे। तो ये देखिए एकदम ठंडा हो गया साबूदाना भुना हुआ। अब मैं इसको जो है एकदम पाउडर बना लूंगी और साबूदानों का यहाँ मैंने एकदम पाउडर बना लिया। अब इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई है उसमें गर्म किया है, उसमें डालूंगी ये फ्रेश जो है नारियल है बुरादा, उसका नारियल कद्दूकस कर लिया था और इसको थोड़ा सा जो है हल्का सुनहरा भुनेंगे। यहाँ पे नारियल को मैंने चला चला के भूरा कर लिया है। अब इसमें मैं जो एक कप चीनी डालूंगी, बुरादा है चीनी का, और इसको डाल के मैं अच्छे से मिलाऊंगी। और इसी में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है ये पाउडर जो है साबूदाना का वो भी डाल देंगे और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है थोड़ा सा मिला के जो है भून लेना है। तो ये देखिए मैंने जो है इसको बस 2 से 3 मिनट ही भुना और इसको मैं एक साइड में रख दूंगी प्लेट में। और यहाँ पे फिर मैं इसी कढ़ाई में जो है 3 से 4 चम्मच देसी घी डालूंगी और इसको मेल्ट होने दूंगी। इसमें ये जो है मैंने थोड़ा सा कूट लिया है इलायची पाउडर और ये बादाम है एकदम बारीक मैंने काट लिया, थोड़ा सा मैंने जो है हल्का सा कूट लिया है और काजू डाला है मैंने और इसको डाल के मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी और इसको डाल के हम लोग अच्छे से जो है पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो है बादाम और काजू मैंने डाला था वो हो गया और इसी में मैं धीरे धीरे जो है ये जो पाउडर है लड्डू का वो डाल दूंगी। अगर बाइंडिंग के लिए अगर आपको बांधने में लड्डू फूट रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें घी डाल दीजिए, आपका बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनेगा। तो यहाँ मेरा घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें जो है 2 से 3 चम्मच और घी डाल दूंगी देशी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। तो देखिए चीनी जो है इसमें अच्छे से मिल गया है, अब ये बाइंडिंग के लिए जो है लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गया। इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल के जब ये हल्का सा गुनगुना रहेगा तभी इसका लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जब मैं सब मिला के ना हल्का सा जब गुनगुना रहेगा, आप हाथ से छू सकते हैं, फील करिए बहुत हल्का सा गुनगुना है, तब हाथ में जो है घी लगा के आप जो है ऐसे लड्डू जो बना लीजिए। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हाथ से बहुत ही प्रेस करना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ फिर मैं अपना बैठ के टेबल पर बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए ऐसे ही ये लड्डू बनेगा, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है और इसको जो आप व्रत में खा सकते हैं और व्रत के अगर आप व्रत नहीं है तब भी खा सकते हैं। आप इसको किसी डब्बे में बंद करके आप 1 महीना इस लड्डू को आप खा सकते हैं व्रत में। तो ये मेरा जो है लड्डू रेडी हो गया, मैंने बना लिया, अब बहुत ही टेस्टी लड्डू है, आप इसको खाइए फिर बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले।